नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है मिंत्रा से मंगाया गया जैक एंड जॉन्स ब्रांड का एक डेनिम जैकेट। तो चलिए इसे खोलकर हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह का डेनिम जैकेट जो है हमको देखने को मिलता है, ये जैक एंड जॉन्स ब्रांड का है और ये मैंने सबसे छोटा साइज एस साइज मंगाया है। यदि आपकी चेस्ट जो है 39-40 के लगभग है तो आपको एस ही मंगाना चाहिए। तो इसको चलिए खोल लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये टील कलर का एक डेनिम जैकेट है। यहाँ पर आपको जैसे बाकी डेनिम जैकेट होते हैं उसी की तरह सेम टू सेम है, वही डिजाइन है। आगे में फ्रंट दो पॉकेट हैं और क्लोजर, जिप क्लोजर नहीं है, ऐसे ही क्लोजर, जो बटन क्लोजर है। इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलता है और नीचे भी जैसे बाकी डेनिम होते हैं सेम वही डिजाइन है। साइड में आपको दो पॉकेट मिलेंगे, फ्रंट में आगे तरफ जो है वो फ्रंट में दो पॉकेट मिलते हैं और यहाँ बटन मिलता है। साइड में पीछे की तरफ जो है यहाँ भी आपको दो बटन मिलेंगे, एक इस तरह का ये मिलता है और ज़्यादा कुछ पीछे है नहीं। और इसकी MRP 3499 रुपये है, यानी 3500 के लगभग है, लेकिन ये डिस्काउंट में मुझे जो है सेल के दौरान जो है 1924 रुपये का पड़ा। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी डील कही जा सकती है। और जैक एंड जॉन्स ब्रांड जो है ये डेनिम का बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इसके डेनिम जैकेट या जो भी हो, डेनिम के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो उनके बेहतरीन होते हैं। यहाँ आप इस तरह देख सकते हैं जैक एंड जॉन्स, जैक एंड जॉन्स MRP जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ देख सकते हैं 3499 रुपये है। ओवर डाइड है, ये टील कलर का है। टील कलर जो है आप जानते हैं कि ये टील कलर बहुत ही बढ़िया दिखता है। यदि आप फेयर हैं तो टील कलर आप पर जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक ये भी एक तरह से न्यूट्रल कलर की तरह ही लगता है, उतना इसका इमेज में जो है आप मिंत्रा में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नज़र आएगा, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो ये उतना गाढ़ा रंग नहीं है, ये थोड़ा फेड फेड कलर का आपको लगेगा। तो यदि आप फेयर हैं तो आप पर ये कलर जो है ऑलिव कलर, टील कलर, ये सब जो है आजकल ऐसे भी ट्रेंड में हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जैक एंड जॉन्स के जितने भी डेनिम जैकेट होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इससे पहले मैंने हाईलैंडर का जैकेट का रिव्यू किया था, लेकिन हाईलैंडर का जैकेट जो है थोड़ा सा रफ रफ टाइप का मोटा लग रहा था, और ये बहुत ही पतला तो उतना ही है लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट, आपको फील जो है आपका सॉफ्ट लगेगा। और हाईलैंडर वाला जैकेट जो है वो खुरदरा मोटा लगता है और स्टिचिंग भी उसकी बढ़िया उतनी नहीं रहती है, कहीं कहीं आपको धागे जो है निकले हुए दिखाई देंगे, लेकिन जैक एंड जॉन्स में ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मार्क एंड स्पेंसर के भी जो डेनिम जैकेट होते हैं वो भी बढ़िया होते हैं, लेकिन जैक एंड जॉन्स भी बढ़िया है। मार्क एंड स्पेंसर का एक पहले मैंने मंगाया था तो उसका डिजाइन थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लग रहा था, इस फ्रंट की तरफ उनका डिजाइन ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जैक एंड जॉन्स भी बहुत ही बढ़िया है। क्वालिटी लगभग लगभग दोनों की सेम थी, न ज़्यादा मोटा है न पतला है और उतना हार्ड भी नहीं है, लिवाइस के जैसा बहुत ज़्यादा मोटा और रफ टाइप का भी नहीं है और हाईलैंडर जैसा भी रफ नहीं है, ये पतला सॉफ्ट है। बटन जो है आप इस तरह देख सकते हैं गोल्डन कलर में है, गोल्डन कलर में जैक एंड जॉन्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, जींस इंटेलिजेंस ऐसा करके लिखा हुआ मिलता है। और इसका मटेरियल क्या है, मटेरियल इसका लेवल हम लोग चेक कर लेते हैं। मटेरियल आपको यहाँ वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, जैक एंड जॉन्स लिखा हुआ देखने को मिल रहा सिर्फ, लेकिन इसके मैंने मिंत्रा में ऐप में देखा था कि 2% एलास्टेन है इसमें, कॉटन है और 2% जो है 98% कॉटन और 2% इलास्टेन है। यहाँ वैसा कुछ लिखा हुआ मुझे खोज के नहीं मिल रहा है, मेड इन बांग्लादेश, अभी जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं सब मेड इन बांग्लादेश ही आ रहे हैं। बांग्लादेश जो है अभी इकोनॉमी में जो है अभी भारत से जो है उसका ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये जो है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है।
आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप इसे मिंत्रा से परचेज कर सकते हैं। तो 3500 रुपये में थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन आप यदि सेल के दौरान लें 2200 तक में, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिलता है। टील कलर बहुत ही शानदार। तो हमेशा वार्डरोब में जो है एक ब्लू डेनिम जीन्स और टील कलर का जीन्स और एक ब्लैक का रख सकते हैं, और ज़्यादा आप स्टाइलिश हैं तो फिर रेड और में भी कलर में भी आप देख सकते हैं, रेड या हल्का पिंक जो है लाइट पिंक में भी आप इसे चूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।